सफीपुर उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म व हत्या करने वाले गए जेल। जी हां, सफीपुर उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। जिलाधिकारी उन्नाव के आदेश एवं पुलिस अधीक्षक उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म व हत्या करने वाले अभियुक्त पिंटू रावत पुत्र स्वर्गीय लीला निवासी ग्राम परियर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष व हत्या में उसका साथ देने वाले रोहित रावत पुत्र कैलाश रावत निवासी ग्राम गलरापुर थाना और आस जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष के विरुद्ध थाना सफीपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA की कार्यवाही की गई। आपको बताते चलें, दिनांक 22 फरवरी 2023 को अभियुक्त पिंटू रावत पुत्र स्वर्गीय लीला निवासी ग्राम परियर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके बाद साथ ही अभियुक्त रोहित रावत पुत्र कैलाश रावत निवासी ग्राम गलरापुर थाना और आस जनपद उन्नाव के साथ मिलकर उसकी हत्या करने के संबंध में थाना सफीपुर पर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर दिनांक 26 फरवरी 2023 को जेल भेज दिया गया था। पिंटू रावत व रोहित रावत उपरोक्त केस घृणित एवं अमानवीय कार्य से आसपास क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया था। दिनांक 20 जुलाई 2023 को द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की कार्यवाही की गई है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी सफीपुर। आर्या न्यूज 24 के लिए आरिफ अली शेख की रिपोर्ट। दिनांक 22/2/2023 को थाना सफीपुर के परियर क्षेत्र में अभियुक्त पिंटू रावत द्वारा एक किशोरी के साथ बहला फुसा कर अपहरण किया गया और वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के पश्चात पिंटू रावत अपने साथी रोहित रावत के द्वारा साथ मिलकर के उस किशोरी की विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में थाना सफीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 52/23 धारा 364 302 376 डी IPC व 3/4 POKSO एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त पिंटू रावत को दिनांक 26/2/2023 को धारा 376 363 302 201 34 IPC व 3/4 POKSO एक्ट में गिरफ्तार किया गया तथा इसी दिनांक को अभियुक्त रोहित रावत को 302 201 34 IPC में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अभियुक्त जेल जाने के पश्चात से लगातार जमानत के लिए प्रयासरत है। इनके द्वारा न्यायालय में अपनी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अभियुक्तगणों की इस घटना से क्षेत्र में बहुत दहशत का माहौल व्याप्त था। इसको दृष्टिगत रखते हुए इनके विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा एक आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें DM जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा इनके विरुद्ध NAC की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनके जमानत को छूटने से इनके द्वारा तुरंत ये शंका थी कि इनके द्वारा कोई सनसनी घटना की जा सकती, इस कारण NAC की कार्रवाई इनके विरुद्ध की गई। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।